हेलो मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आपके लिए एक ऐसा शानदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं जो कि सोनाली का DI 734 ट्रैक्टर है और ये 34 HP में ट्रैक्टर है और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर यानी कि 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तो फुल डिटेल में बात करने वाले इस ट्रैक्टर की, प्राइस के बारे में बात करेंगे, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे और जो कुछ इसमें फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो वीडियो सामने से शुरू करते हैं तो इस सामने का व्यू मिलने वाला है ट्रैक्टर का, कुछ इस प्रकार का लुक दिया गया है। यहाँ पर सोनालिका की बैजिंग मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चाबी का ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप चाबी लगाएंगे तो आपका ये बोनट ओपन हो जाएगा, बोनट खुल जाएगा। और जो एयर क्लीनर दिया गया है, ऑयल वाला एयर क्लीनर मिलने वाला है इसमें। ऑयल वाला एयर क्लीनर में क्या होता है कि जैसे कि इसमें जैसे मिट्टी वगैरह भी जाती है वो ऑयल में छिड़ जाती है, इंजन में नहीं जाती है। और यहाँ पर एक लाइटें मिलने वाली हैं आपको, हैलोजन लाइट दी गई है इसमें हैलोजन बल्ब के साथ, जो कि मेरे किसान भाई जुताई वगैरह करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा उजेला मिल जाता है। इसमें एक इसमें हाई वेट के साथ बम्फर मिलने वाला है जिससे मेरे किसान भाई रोड वगैरह पे या गड्ढे वड्ढे ऊंचाई नीचाई कहीं पर भी चलाते हैं ट्रैक्टर को ट्राली में तो आगे से उठने के चांस नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर एक हुक मिलने वाला है जैसे कि टूचिंग वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर एक हुक मिल दिया गया है। और जो इसका व्हील बेस दिया गया है वो काफ़ी प्यारा मिलने वाला है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और इसके टायर साइज की बात करते हैं आगे की, तो इसमें छोटे टायर दिए गए, मीडियम टायर जो कि 6-16 के दिए गए। इसमें मीडियम टायर है, 34 HP का ट्रैक्टर है तो इसमें छोटे ही टायर आएंगे। और जो व्हील दिया गया है कुछ इस प्रकार का व्हील दिया गया है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हाई स्पीड कल्टीवेटर, तो ये कल्टीवेटर का किंग कहलाता है ये ट्रैक्टर। और यहाँ पर DI 734 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर सोनालिका इंटरनेशनल लिखा हुआ है तो काफ़ी प्यारा लुक में भी लगता है देखने में। और यहाँ पर इसमें डीजल फिल्टर मिलने वाला है और इसमें बॉस्को कंपनी का पंप मिलने वाला है जो कि सभी ट्रैक्टरों में बॉस कंपनी का पंप ही आता है। और ये रेगुलेटर दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी मैं दिखा नहीं पा रहा, आप वैसे भी देख रहे होंगे ये रेगुलेटर दिया गया है। यहाँ पर कूलेंट वगैरह डलेगा, जैसे रेगुलेटर से क्या होता है कि डायरेक्ट वाटर कूलेड इंजन में जाएगा इसका, तो आपका ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा। जैसे आप लगातार ट्रैक्टर को चलाते हैं तो इसमें गर्म रहने की कोई चांसेस नहीं रहते। जैसे आप यहाँ से आप अपने फ्यूल को भी बंद कर सकते, तो अपने फ्यूल टैंक को भी बंद कर सकते हैं जिससे फ्यूल ट्रैक्टर में नहीं जाएगा। और जो स्टेयरिंग दी गई इसमें साधारण स्टेयरिंग मिलने वाली है, और अगर आप पावर स्टेयरिंग भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शनल है, आप इसमें पावर स्टेयरिंग भी ले सकते हैं। अब आप इस साइड से भी देख लीजिए तो आपको ये पीछे के टायर दिखने वाले हैं, जो कि इनके साइज की बात करें तो C8 के टायर दिए गए हैं जो, और साइज की बात करें तो 12x28 की इसमें साइज पे टायर मिलने वाले हैं। एक मीडियम टायर दिए गए हैं और व्हील डिजाइन कुछ इस प्रकार की दी गई है जो कि काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पर इसमें लाइटें मिलने वाली हैं, इसमें चौकोर लाइटें दी गई हैं प्लास्टिक कवरिंग के साथ। और ये जैसे ये टेन लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट दी गई है और एक लिंक दी गई है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1200 kg की दी गई है यानी कि 12 क्विंटल की। तो ये काफ़ी अच्छी आपको एक छोटे ट्रैक्टर में, मीडियम मेरे मध्यम वर्ग के किसानों के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है और उनके लिए लिफ्ट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली। और यहाँ पर इसमें हिच दी गई है, आप अपनी ट्राली वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो PTO राउंड मिलने वाले हैं वो 540 RPM पर मिलने वाले हैं। और ये ट्राली के लिए सॉकेट दिया गया है, जैसे कि मेरे किसान भाई यहाँ पर अपने ट्राली का हुक लगा कर इस प्रकार से और इसको जैसे ऊपर करेंगे तो आपकी ट्राली ऊपर जाएगी। ये लीवर दिया गया है, इसको नीचे करेंगे तो आपकी ट्राली नीचे आएगी। तो ये कंपनी फिटिंग अलग से दिया गया है, कितना प्यारा लगता है देखने में और काफ़ी मजबूत भी है ये। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, जैसे कि पीछे के वाहन वगैरह आता है तो पता चल जाता है कि कोई वाहन आगे जा रहा है। यहाँ पर वाटर होल्डर मिल जाता है जैसे पानी वानी की बोतल रखने के लिए। और यहाँ पर भी एक डंडा लगाया गया है दोनों मडगाटों को सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर एक लाइट मिलने वाली है हैलोजन बल्ब के साथ, जिससे क्या होता है कि मेरे किसान भाई रात में काम करते हैं और टेसिंग वगैरह करते हैं, जुताई वगैरह करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सहायक रहती है लाइट, अच्छा खासा इसका उजेला मिल जाता है।
और इस ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में बात करें तो 6,40,000 रुपये है, जिसमें आपको कल्टीवेटर भी मिलेगा, ट्राली भी मिलेगी साथ में। और एजेंसी के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड मशीनरी कंपनी, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और मैंने यहीं पे की प्राइस बताई है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इसमें प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जैसे कि मेरे किसान भाई इस प्रकार से चढ़ सकते हैं मेरे ट्रैक्टर पर। और ये क्लच दिया गया है, इसमें सिंगल क्लच मिलने वाला है, तो इस तरह से बैठ सकते हैं। और इस सिंगल क्लच दिया गया है, इस तरह से आप अपने पांव रखिए। और जो ये ब्रेक दिया गया है, इसमें ऑयल में डूबी हुए ब्रेक मिलने वाले हैं। जो ऑयल में डूबी हुई ब्रेक का मतलब रहता है, इसमें काफ़ी अच्छी लाइफ रहती है, पावर ब्रेक दिए गए हैं। और यहाँ पर बगल में इसका एक्सीलेटर दिया गया है, यहाँ पर हाथ में भी एक्सीलेटर मिलने वाला है। और ये स्टेयरिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी स्टेयरिंग दी गई है बड़ी साइज में। और यहाँ पर हैजल बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप इस बटन को जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो इस प्रकार से आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। एक साथ जलने से क्या होता है कि जैसे आप रोड वगैरह पर कहीं खड़ा कर देते हैं, तो आते जाते वाहनों को पता चलता रहता है कि कोई वाहन चल खड़ा हुआ है, तो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। ये कुछ इस प्रकार का इसमें मीटर वार मिलने वाला है, जैसे कि BS6 इंजन आने लगा इसमें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जैसे आपके ट्रैक्टर में कोई भी इशू आता है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ गई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर RPM शो करेगा, यहाँ पर घंटे शो करेगा कि आपने कितने घंटे चला लिया है, और यहाँ पर इसका फ्यूल शो करेगा, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर शो करेगा कि इसमें कितना टेम्परेचर हाई, गर्म तो नहीं हो रहा। वैसे हीटिंग करने के कोई चांस नहीं है, अगर आपका ट्रैक्टर गर्म होता है तो यहाँ पर शो करने लगेगा। और ये एक्सीलेटर दिया गया है, यहाँ पर कुछ लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, आप यहाँ से अपनी लाइटें वगैरह भी जला सकते हैं। यहाँ पर बीच में हॉर्न दिया गया है, हॉर्न दबा सकते हैं, इंडिकेटर के लिए दिया गया बटन। और यहाँ पर इसके सेंटर में गियर मिलने वाले हैं, जैसे कि ये हाई लो के लिए गियर दिया गया है, और ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए गियर मिलने वाला है। इसके सेंटर में गियर दिए गए हैं, और यहाँ बगल में PTO गियर दिया गया है, ये PTO गियर है। यहाँ पर टूल बॉक्स भी मिल जाता है आपको, जैसे छोटे मोटे टूल वगैरह रखने हैं तो यहाँ पर टूल बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। और इस तरह आपको कल्टीवेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी गहराई के हिसाब से मिट्टी की, तो आप अपने कल्टीवेटर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से, और तो ये कल्टीवेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये जो मडगार्ड दिए गए हैं, काफ़ी लंबे चौड़े इसमें मडगार्ड मिलने वाले हैं, दो आदमी यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और जैसे मेरे किसान भाई हार खेत वगैरह पर जाते हैं, तो दो बोरी भी रख सकते हैं अपने खाद वगैरह या बीज वगैरह की, कुछ भी बोरी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक मिरर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा इसमें मिरर दिया गया है, जिससे आप पीछे का पूरा कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप रोड वगैरह पर चलाते हैं तो आराम से पूरा दिखाई देगा इसमें। और ये इसका साइलेंसर दिया गया है, तो इसमें काफ़ी अच्छा साइलेंसर भी मिलने वाला है। और ये फ्यूल टैंक दिया गया है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 45 लीटर की दी गई है, तो काफ़ी अच्छी बड़ी कैपेसिटी मिलने वाली है इसमें, जिससे मेरे किसान भाई एक बार इसको फुल कर देते हैं तो कम से कम आप 2-4-10 घंटे लगातार ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और ये सीट मिलने वाली है, जो कि एडजस्टेबल सीट दी गई है, मेरे किसान भाई इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, जैसे मेरे किसान भाई इसको लगातार 2-4 घंटे कितना भी चला लें थकान महसूस नहीं करेंगे। अब इस ट्रैक्टर की डीजल खपत के बारे में और बात कर लेते हैं, तो जैसे मेरे किसान भाई इसको रोड वगैरह पर चलाते हैं तो 10-12 किलोमीटर जाएगा 1 लीटर तेल में, तो रोड पर इसका काफ़ी अच्छा माइलेज है। और जैसे आप इसको कल्टीवेटर में चलाते हैं, जुताई वगैरह करते हैं, तो वो मिट्टी पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी मिट्टी नॉर्मल है, अच्छी है, और जैसे सूखी ज़मीन है तो उससे थोड़ी ज़्यादा तेल खाता है, तो जुताई में 3 से 3.5 लीटर ही तेल खाएगा। और ठेसिंग वगैरह में भी इसका काफ़ी अच्छा माइलेज है, ठेसिंग वगैरह में 3-3.5 लीटर तेल खाएगा, वो भी उस वो फसल पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की फसल है, जैसे सूखी फसल है तो कम तेल खाएगा, और जैसे फसल में नमी वगैरह है तो उससे ज़्यादा तेल खाएगा, थोड़ा बहुत माइलेज में डिपेंड रहता है, वो फसल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब।